दोस्तों भारत ने पहले टेस्ट मुकाबले में रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहले टेस्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी थी। जी हाँ, पहले टेस्ट मुकाबले में 150 रन नहीं बल्कि 218 रनों से जीत हासिल की। भारत ने पहले टेस्ट मुकाबले को 218 रनों से जीता और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। रविचंद्र अश्विन रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते विलखते नजर आए। बांग्लादेश की टीम के लिए कैसे रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा यमराज बन बैठे, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल, विराट कोहली जब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव भी देख करके हैरान थे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सस्वी जायसवाल, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच जब पहले टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर दो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा पहुंच गए। रोहित शर्मा से भारतीय टीम को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। रोहित शर्मा यहां पर सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर मैच 6 रन बनाकर के आउट हो गए। भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल, भारतीय टीम को लगा कि शुभमन गिल काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे और एक लंबी पारी यशस्वी जायसवाल के साथ खेलेंगे, लेकिन शुभमन गिल भी पूरी तरीके से रहे और 0 ही रन पर यहां पर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर आउट हो गए। अब यशस्वी जायसवाल अकेले अपनी दम पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। क्रिकेट के जगत के फैंस चाहने वालों को लग रहा था कि विराट कोहली काफ़ी लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों विराट कोहली भी यहां पर 6 रन बना करके यहां पर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर आउट हुए। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। अब विकेट कीपर ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपना कमबैक किया और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऋषभ पंत ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। दोस्तों ऋषभ पंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे तो वहीं यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के 3 से 4 विस्फोटक बल्लेबाजों को हमने आउट कर दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत क्यों नहीं आउट हो रहे हैं। ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। ऋषभ पंत काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत यहां पर दोस्तों 23वें ओवर की 4थी बॉल पर महज 43 रन ठोक करके आउट हुए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो केएल राहुल यहां पर 28वें ओवर की 4थी बॉल पर 16 रन ठोक करके आउट हुए। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मैदान पर बल्ला चला तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्र अश्विन। दोस्तों जब यशस्वी जायसवाल भी यहां पर 31वें ओवर की 4थी
बॉल पर आउट हुए 63 रन ठोक करके। तो मैदान पर बल्ला चला रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन दोनों तूफानी विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। रविंद्र जडेजा रविचंद्र अश्विन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाने लगी। पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रविंद्र जडेजा ने 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। 33वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव के और चौके और 3 आसमानी गगनचुंबी छक्के रविचंद्र अश्विन ने ठोक दिए। रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों को आउट करें तो करें कैसे। दोस्तों 34वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन रविंद्र जडेजा ने फिर बना दिए, तो वहीं 35वें ओवर की 6 गेंदों पर 11 रन रविचंद्र अश्विन ने ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का घमंड चकनाचूर कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रविचंद्र अश्विन ने शतकीय, तो वहीं यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 83 रन यहां पर रविंद्र जडेजा ने ठोक दिए। पहले दिन जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की तो वहीं दूसरे दिन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्र अश्विन और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा कूद पड़े। रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए मैदान पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों रविचंद्र अश्विन वो तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविचंद्र अश्विन ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 65वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। दूसरे दिन भी बल्ला रविचंद्र अश्विन का तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चला। रविचंद्र अश्विन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की रूह कांप उठी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों 66वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के 2 चौके रविंद्र जडेजा ने भी ठोक दिए। रविंद्र जडेजा रविचंद्र अश्विन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्र अश्विन ने 67वें ओवर की 6 गेंदों पर 11 रन फिर ठोक दिए। यहां पर 68वें ओवर की पहली बॉल पर एक चौका यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के दोस्त रविंद्र जडेजा ने ठोक दिया। रविंद्र जडेजा ने यहां पर 68वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक रविचंद्र अश्विन को दी। रविचंद्र अश्विन ने 68वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्र अश्विन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह भी हैरान थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों को आउट करने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। रविंद्र जडेजा रविचंद्र अश्विन का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रविचंद्र अश्विन ने तूफानी विस्फोट अंदाज में 80 ओवर के 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 81वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके फिर रविचंद्र अश्विन ने ठोक दिए। रविचंद्र अश्विन काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा दूसरे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जब 65 रन ठोक करके आउट हुए तो मैदान पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए। मोहम्मद सिराज ने यहां पर 87वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 87वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके रविचंद्र अश्विन ने फिर ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। मोहम्मद सिराज जब 18 रन ठोक करके आउट हुए तो मैदान पर जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए आए। जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जी हां, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक विश्व का नंबर वन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए जब टेस्ट मुकाबले में उतरे तो तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें जसप्रीत बुमराह ने 61 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते दूसरा टेस्ट मुकाबला 218 रनों से जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई हाईलाइट जानकारी और हमेशा वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जब सुमन गिल विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल जब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा और यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते बांग्लादेश के गेंदबाजों को जम करके धोया। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।